सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है हमारे पास में और उसको सुनकर के आप एक राहत की सांस लोगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, आई एम डैम श्योर। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आप कितना खुश हुए। तो गाइज स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज यहां पर हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा खबर निकल कर के आया है। क्लास 10th से मैं शुरू करता हूं और 12th में भी मैं पहुंचूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो दोनों पे अप्लाई होता है वो ये है कि कन्फर्म्ड ये न्यूज़ आ चुका है कि मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो लगा दिया गया है क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के रिजल्ट के ऊपर में। मॉडरेशन पॉलिसी क्या है? बहुत बार मैंने गाइज आप लोगों को बताया है कि मॉडरेशन पॉलिसी वो होता है जिसमें कि जिन स्टूडेंट्स के कुछ कम मार्क्स आए होते हैं तो उनको वो मार्क्स दे करके पास कर दिया जाता है, उनको रोका नहीं जाता है, उनको फेल नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ जो है अप्लाई कर दिया गया है और मैं आपको इसका डेटा फिगर भी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और यार एक चीज़, अभी सब स्ट्रेस में है, सब टेंशन में है, तो आप लोगों का काम है सबको रिलीफ देना, ज़्यादा से ज़्यादा राहत देना। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में लिख देना सर आई हैव शेयर्ड, ठीक है। जो भी लिखेगा शेयर्ड सबको मेरी तरफ से एक हर्ट मिलेगा, ठीक है। एंड यस लाइक कर देना यार। तो गाइज यहाँ पर क्लास 10th का टेबुलेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, ये आपको खबर है। लेकिन मेरे पास में कुछ डेटा भी आ चुका है, वो डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गाइज जो रिजल्ट अभी देखो बन रहा है वो आपको पता है, क्लास 10th और 12th जो है वो डिफरेंट मार्किंग स्कीम पे बन रहा है। लेकिन इस मार्किंग स्कीम को जब लागू किया गया तब ये पाया गया कि जो रिजल्ट बन रहा था उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हो रहे थे जिनके रिजल्ट जो हैं वो ख़राब हो जाते, वो फेल हो सकते थे। तो इस चीज़ से बचाने के लिए अगर स्टूडेंट ने क्लासेस अटेंड किए हैं, क्लासेस मतलब जो एग्ज़ाम्स थे या जो भी प्रोजेक्ट वर्क असाइनमेंट ये सब चीज़ अगर किया है तो उनको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिल रहा है कि उनको एड ऑन कर दिया गया है, ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है। तो गाइस मैं भी आपको बता रहा था कि मॉडरेशन पॉलिसी क्या है। तो मॉडरेशन पॉलिसी के तहत आपको मार्क्स दे के पास किया जाता है, ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब ग्रेस मार्क्स तो इस बार पूरी तरह से लग रहा है, ये कंफर्म आ चुका है हमारे पास में अपडेट। अब ग्रेस मार्क्स और एक स्थिति में भी दिया जाता है, या कह लीजिए मॉडरेशन और एक स्थिति में भी, जबकि क्वेश्चन पेपर में कुछ गड़बड़ी हो। तो क्वेश्चन पेपर तो इस बार हुआ ही नहीं क्योंकि एग्जाम्स हुए नहीं, तो आपको मिल रहा है मार्क्स ग्रेस मार्क्स। अब यहां पे मैं आता हूं 12th वालों पर भी, 12th वालों को भी जो मार्क्स दिया गया है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास में इस वक्त जैसे कि पटना का अपडेट है कि ग्रेस मार्क्स देने से पहले पटना के जो सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स हैं क्लास 12th स्टूडेंट्स, उनकी एक डेटा आई है हमारे पास निकल करके कि 4,655 स्टूडेंट्स का जो है वो रिजल्ट कुछ गड़बड़ हो सकता था। तो सीबीएसई के इस मॉडरेशन पॉलिसी के तहत इन बच्चों को जो है वो मार्क्स दिया गया, ग्रेस मार्क्स दिया गया और इन सभी स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है गाइज, ये तो एक पटना का फिगर है। अभी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एफिलेटेड स्कूल्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स में जो जो एफिलेटेड स्कूल्स हैं सीबीएसई से जुड़े हुए, वहां का डेटा अलग ही मौजूद है। गाइज यहां पे मैं आपको बात बता दूं कि सीधा सीधा मार्क्स दे दिया गया है, क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स एकदम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाओ। और आपको मैं ये भी बता दूं कि क्लास 11th तक का मार्क्स अपलोडिंग जो था वो अब जो थोड़ा बहुत बचा है, जो जिनका प्रॉब्लम है जिन स्कूलों में वहां अलग बात है, नहीं तो 1st of July से क्लास 12th का मार्क्स जो अपलोड होने का काम शुरू करना था अब उसे ओपन कर दिया गया है। आपको मैंने बताया था कि पोर्टल बंद करके रखा गया है कि पहले 11th तक को चढ़ाइए, लेकिन अब 12th का मार्क्स अपलोडिंग का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। तो गाइज ये बड़ा 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 बहुत बड़ा अपडेट है। और एक इस पे मैं आपको चीज़ बता दूं कि सीबीएसई क्योंकि रिपोर्ट रखना चाहती है, रिकॉर्ड रखना चाहती है, ये बहुत ध्यान से सुनना, तो सीबीएसई हैज़ आस्क्ड फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ रिजल्ट। मतलब सीबीएसई चाहती है कि रिकॉर्ड हमको पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिया गया। तो तमाम एफिलिएटेड स्कूल से, देश भर में जितने एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उन सभी से ये रिकॉर्ड मांगा गया है कि कितने स्टूडेंट्स को आपने ग्रेस मार्क्स दिया, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो सीबीएसई को भेजा जाए, उनको जमा किया जाए। तो गाइज इसका मतलब ये बहुत बड़ा अच्छा खबर है और ये सीबीएसई को करना भी चाहिए था। यूनिक समय है इस वक्त, बहुत पैंडेमिक सिचुएशन है, अच्छा समय नहीं है, स्टूडेंट स्ट्रेस में है, तो रिलैक्स जितना स्टूडेंट्स को मिले वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो गाइज अगर खुश हो गए हो तो यार लिख देना आई एम वेरी मच हैप्पी सर, ठीक है। और साथ ही साथ में लाइक ज़रूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड यस वेट जरूर करना, बिकॉज आज आपके लिए स्ट्रीम सिलेक्शन वीडियोज और बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं यार, प्लीज लव दोज वीडियोज, ठीक है, लव दोज वीडियोज, बिकॉज हम बहुत मेहनत करके हमारी टीम बनाती है, तो प्लीज़ उस पर काम जरूर कीजिएगा। एंड यस फॉर स्टडीज चैनल एंड फैक्ट्स एंड विशाल चैनल,
अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या क्या यार कर लो, जल्दी करो, कम ऑन, गो 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 फास्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।